दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य के एक प्यारे से ज़िले सतना के बारे में बात करेंगे और सतना ज़िले की रोचक बातें और प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PN नॉलेज में। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का सतना ज़िला ऐतिहासिक रूप से बघेलखंड क्षेत्र में आता है। इसका महत्व प्राचीन काल से ही है। सतना जिले का उल्लेख महाभारत व बौद्ध धर्म की किताबों में भी मिलता है। सतना जिला के चारों ओर हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म के प्राचीन स्थल हैं, जो इस जिले के प्राचीन ऐतिहासिक महत्व को बताते हैं। सतना जिला मध्य प्रदेश राज्य के रीवा, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से घिरा हुआ है। सतना का क्षेत्रफल 7502 वर्ग किलोमीटर और औसतन ऊंचाई 315 मीटर है। सतना ज़िले में 11 तहसीलें, 8 ब्लॉक, 704 पंचायतें व 2125 गांव हैं। यहां की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 22,28,935 है और लिंगानुपात 926 है, यानी 1000 पुरुषों में 926 महिलाएं हैं। ज़िले की साक्षरता दर 73.8% है। सतना ज़िले में मुख्य रूप से बघेली और हिंदी भाषा बोली जाती है। सतना में मुख्य रूप से सतना, बरुआ, आमरण, सोन, टोस व पासुनी नदी हैं। यहाँ के वनों का क्षेत्रफल 2036 वर्ग किलोमीटर है। ज़िले में मुख्य रूप से सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर बाघ, जंगली कुत्ते, चीतल, लंगूर, हिरण, नीलगाय आदि वन्य जीव हैं। सतना ज़िला चूना पत्थर उत्पादन का मुख्य केंद्र है। इसी वजह से सतना आज के समय में 12% सीमेंट का उत्पादन करता है। इसी कारण यह औद्योगिक शहर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ बिड़ला घराने के सीमेंट के दो कारखाने, सतना सीमेंट फैक्ट्री तथा मैहर सीमेंट और यूनिवर्सल केबल्स फैक्ट्री है। एक और प्रिज्म सीमेंट है। इसके अलावा चूना पत्थर उद्योग के कई छोटे बड़े कारखाने स्थापित हैं। बीड़ी उत्पाद के भी कई संस्थान हैं। यहाँ के बाज़ार पर सिंधी, मारवाड़ी और गुजराती व्यापारियों का वर्चस्व है। सतना ज़िला दो धार्मिक स्थानों चित्रकूट और मैहर के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकूट के लिए यह भी कहा जाता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत, रामघाट, भरत मिलाप, कामतानाथ, गुप्त गोदावरी, जानकी कुंड, दीपदान जैसे धार्मिक स्थल हैं। यहाँ पर चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना नानाजी देशमुख ने 12 फरवरी 1991 में की थी। यहाँ पर सबसे बड़ा गधा मेला भी लगता है, जो बहुत ही विख्यात है। मंदाकिनी और गुप्त गोदावरी का मिलन स्थल भी चित्रकूट है। मैहर में माँ शारदा देवी मंदिर, गोलमाथा मंदिर, बड़ा अखाड़ा मंदिर, आल्हा देव मंदिर, ओला मंदिर, बाबा तालाब, शिव मंदिर जैसे दार्शनिक स्थल हैं, जिनका भ्रमण आप कर सकते हैं। मैहर को उस्ताद अलाउद्दीन खां जी की कर्म स्थली भी कहा जाता है। यहाँ उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी भी है और मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह भी होता है। सतना ज़िले में और भी कई धार्मिक व पर्यटन स्थल हैं, जैसे वेंकटेश मंदिर मुख्तियारगंज, शिव मंदिर बिरसिंहपुर, तुलसी संग्रहालय रामबन, गुप्तकालीन मंदिर भुमरा खोह, भरत स्तूप जहां पर अशोककालीन स्तूप के अवशेष मिले थे, भूतेश्वरनाथ उचेहरा आदि। अगर हम सतना ज़िले के पर्यटन स्थल की बात कर ही रहे हैं, तो सतना ज़िला से 25 किलोमीटर दूर नागौद को कैसे भूल सकते हैं। नागौद में गुप्तकालीन नचना कूटना मंदिर है, जो भगवान शिव
और पार्वती जी का है। सतना के मुकुंदपुर में विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी है जो 3 अप्रैल 2016 में बनी थी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सतना ज़िले में 11 तहसीलें हैं, रघुराज नगर, रामनगर, कोठी, अमरपाटन, बिरसिंहपुर, मैहर, मझगावा, नागौद, रामपुर बघेलान, ऊँचेहरा, कोटर। सतना ज़िले में 8 ब्लॉक हैं, सोहावल, अमरपाटन, मैहर, मझगावा, नागौद, रामनगर, रामपुर बघेलान, ऊँचेहरा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।